नमस्कार दोस्तों, एच एंड ट्रिकी जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए ट्रिक से कैसे याद करें इसको। 12 कलिंगा को 17 पुल बनाने के लिए 29 आस्कर मिला, ये है याद करने का तरीका। कितने कलिंगा को? 52 कलिंगा को। कितना पुल बनाने के लिए? 17 पुल बनाने के लिए कितना आस्कर दिया गया? 29 आस्कर दिया गया। तो ये है तरीका याद करने का। 52 से समझना है 1952, और कलिंगा से समझना है कलिंग पुरस्कार, यानी कि कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1952 से हुई थी। और वहीं बात करें कलिंग पुरस्कार से संबंधित, तो इस पुरस्कार की स्थापना विजू पटनायक ने किया था, और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं बात करें 17 पुल, 17 का मतलब है 1917। पुल से समझना है पुलित्जर पुरस्कार, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई थी। और पत्रकारिता की क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और पुलित्जर पुरस्कार यूएसए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, और ये पुलित्जर पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर के नाम पर शुरू किया गया था। वहीं बात करें 29 आस्कर, 29 से समझना है 1929, और आस्कर से होगा आस्कर पुरस्कार। जी हाँ, आस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुई, और आस्कर पाने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला रही भानु अथैया। और वहीं बात करें आस्कर से नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया, जिसको 1957 में आस्कर मिला। और इसके अलावा सलाम बॉम्बे 1988, लगान 2001, श्वास 2004, पहेली 2005, और 2006 में रंग दे बसंती को आस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या आस्कर पुरस्कार मिला। और भी ट्रिक्स पुरस्कार से संबंधित जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। देखिए दूसरी ट्रिक क्या है, ध्यान दो, एक भी नो बॉल नहीं जानी चाहिए। ध्यान दो, ध्यान का मतलब होगा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी या पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। दो का मतलब हो जाएगा 2002, इसका मतलब ये हो गया कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से हुई थी। मतलब ध्यान दो, अगर इतना याद हो गया तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी ये आपको याद होगा। एक भी नो बॉल नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, एक का मतलब 1901, यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी, 1901 से शुरुआत की गई थी। और ये नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में सर्वप्रथम मिला, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला नोबेल पुरस्कार। तो इस तरीके से भारत में अब तक कुल 9 लोगों को ये सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। वहीं बात करें अगले ट्रिक की, तो 65 ज्ञानी, 71 धनी, 73 लोग, 91 सरस्वती, इसको भी याद करने का ये तरीका है। 65 ज्ञानी का मतलब ये है, ज्ञानी से समझना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई, और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 65 ज्ञानी से आप ये याद करें। 71 धनी, 71 का मतलब होगा 1971, धनी से होगा धन्वंतरी पुरस्कार, और ये धन्वंतरी पुरस्कार की जो शुरुआत है 1971 से हुई, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। 73 लोग, 73 का मतलब 1973, लोक का मतलब नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई, और ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहीं बात करें 91 सरस्वती, तो 91 से समझना 1991, और सरस्वती से सरस्वती सम्मान, ये सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई, और ये साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थी तरीका याद करने का, महत्वपूर्ण पुरस्कार याद करने का तरीका जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।